अबे धोनी भाई, अबे ये लो चुनौती भैया, हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, हम भी वर्ल्ड कप को न्यूट्रल वेन्यू पर करवाएंगे, समझे? अबे तुम क्या हमको चूतिया समझ रहे थे? अबे हमारे माथे पे सी ना लिखा भैया, सी का मतलब चूतिया, हमारे माथे पे चूतिया थोड़ी लिखा है, जो तुम कहोगे वैसा ही करते रहेंगे। अबे पाकिस्तान से भैया, हम भी वर्ल्ड कप को न्यूट्रल वेन्यू पर करवाएंगे और ये लो चुनौती, हम नहीं आएंगे वर्ल्ड कप खेलने, समझे? अबे देख रहे हो रोहित भाई, अबे देख लो भैया इस नालायक पजामे की पूंछ को। अबे ससुरी वाले, इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएगा तो भैया आईसीसी तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगी, समझे? भाई फंड वंड जो भी होता है भैया, सब एकदम लुल हो जाएगा तुम्हारा, अरे एशिया कप से भी हाथ धो बैठोगे। अबे हम तो ये कह दे भैया, वर्ल्ड कप खेलने आओ, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा। अरे भाई धोनी भाई को चुनौती देने की क्या जरूरत है? अबे ज्यादा धोनी भाई को चुनौती चुनौती करोगे तो फिर समझ जाओ सूर्या को आ जाएगा गुस्सा। अरे नहीं नहीं सूर्या भाई, तुम अपने आप को ठंडा रखो। अबे भैया हम निपट लेंगे इससे, बातों के बाबा से तो हम निपट लेंगे, काई को टेंशन ले रहे हो। अबे बाबर मियां, अबे भाई क्या कह रहे हो तुम, इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने नहीं आओगे? अबे मत आओ भैया, हमारा कौन सा दिक्कत आ रही है, बाकी टीमें आएंगी उनके साथ खेलेंगे। अबे तुम्हारी टीम क्या बहुत बड़ी 30 मार्क है जो तुम्हारे साथ ही हमको वर्ल्ड कप खेलना है? अरे भैया रही बात इंडिया पाकिस्तान के मैच की, जो लोगों को इंटरेस्ट आता है जिसमें, अबे भैया चाहे जहां भी हो जाए, तुमको तो हम चाहे जहां लोल बना सकते हैं। अबे धोनी भाई न्यूट्रल वेन्यू पर ही होगा, ये लो चुनौती इंडिया वालों, हम नहीं आएंगे। अबे हल्के में ले रहे थे हमको, अब देखो भैया हम भी अपनी बातों पे अड़ गए, अब हम देखो अपनी बातों पे अड़े रहेंगे और वर्ल्ड कप को न्यूट्रल वेन्यू पर करवा के रहेंगे, समझे? हाँ हाँ ये हुई ना बात, तभी तो कहते भैया, अबे पाकिस्तान में जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनके माथे पे लिखा होता है सी, क्योंकि वो लोग नहीं खाते कभी भी घी। अबे बाबर आजम रहने दो, अबे न्यूट्रल वेन्यू वेन्यू कुछ ना करेगा तुम्हारा, आईसीसी ने जब लगाया ना एकदम ठप्पा, ऐसे हो जाओगे एकदम लाल। हम तो ये कह दे भैया, तगड़े तरीके से भले सक आओ खेलने, लेकिन भैया वर्ल्ड कप इंडिया में ही होगा और तुम्हारा और हमारा मुकाबला भी इंडिया में ही होगा, समझे? अबे लुल कैसे बनाएंगे तुमको हम, देखना तुम, ऐसा लुल बनाएंगे तुमको, इतना खतरनाक लुल बनाएंगे कि तुम भी याद करोगे, हाँ भाई इंडिया वालों ने जलवे किए लुल बना के। अबे नहीं नहीं विराट कोहली भाई, हमको तो ऐसा लग रहा है ये बाबर आजम क्या है ना, डर गया है हम लोगों से, वरना ये इंडिया में आता भैया खेलता हम लोगों के साथ, हमको तो ऐसा लग रहा है ना इसके दिमाग से निकल गया धुआं। ओ भाई साहब, इंडिया से मुकाबला, वो भी इंडिया में, ये डर के वजह से ना आ रहा भैया, ये वर्ल्ड कप का कोई सिस्टम थोड़ी है। अबे इसको तो पता ही है वर्ल्ड कप में तो हार नहीं है, कौन सा जीतने वाला है, लेकिन भाई इसको डर है हम लोगों का कहीं ना कहीं, इस वजह से ना आ रहा। अगर इसके अंदर दम होता ना थोड़ा सा भी, तो ये हमारे यहाँ जरूर आता खेलने। अबे ऐसी बात है तो ससुरा हम जरूर आएंगे। अबे हमको क्या डरपोक समझ रहे हो भैया, अबे जरूर आएंगे भाई जरूर आएंगे, अब देखना तुम ऐसा जलवा करेंगे इंडिया में आके, अबे लुल बनाएंगे तुम्हारी टीम को, अब देखते जाओ तुम ऐसा जलवा करेंगे। हम तो भी कहते भैया बाबर बादशाह, अरे बाबर मियां ये काम तुमने बढ़िया कर दिया, इंडिया में आने का फैसला ले लिया, अब तो भैया जलवा होगा, अब तो तुमको एकदम लुल बनाया जाएगा और तुम्हारी टीम को एकदम हल्का पुल्का चुट्टा मुट्टा समझ के हराया जाएगा। अबे भैया हमारी इंडिया के आगे तुम्हारी टीम एकदम लुल हो जाएगी और कुछ खिलाड़ी तुम्हारे मैदान छोड़ के भाग जाएंगे।